खूबसूरत और निखरा हुआ चेहरा दोस्तों किसको नहीं चाहिए। हर कोई को जो है सुंदर और खूबसूरत और बिल्कुल बेदाग चेहरा चाहिए। इसके लिए वो बहुत तरीके का नुस्खा अपनाते हैं, बाहर पार्लर जा करके बहुत सारे ब्लीच इस्तेमाल करते हैं जिससे उसको फायदा ना हो करके उसकी स्किन में दाग धब्बे निकल आते हैं और बहुत ही ज़्यादा खराब लगता है। दोस्तों अभी फेस्टिवल का टाइम चल रहा है और बहुत ही ज़्यादा फंक्शंस हो रहे हैं, तो ऐसे में आप घर पे भी घरेलू नुस्खा इस्तेमाल करके अपने चेहरे को इंस्टेंटली बहुत ही खूबसूरत और गोरा बना सकते हैं। तो आज का ये DIY जो है बनाने के लिए हमने लिया हुआ है बहुत ही बढ़िया सा नींबू, यानी कि नेचुरल आज हम ब्लीच बनाएंगे होममेड। इससे आपका बाल जो है ना नेचुरली जो है ब्लीच होगा, आपका स्किन बहुत ज़्यादा इंस्टेंटली गोरा लगेगा। दोस्तों नींबू जो है नेचुरल ब्लीच का काम करता है, इसके अंदर विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है जो हमारे स्किन को ब्लीच करता है, हमारे स्किन को बहुत ही इंस्टेंटली निखारता है और बहुत ही फायदा करता है। इसके साथ साथ ही हमारे स्किन के दाग धब्बे पोर्स वगैरह को ये ख़त्म करता है, क्योंकि दोस्तों नींबू जो है गुणों का भंडार होता है, मेडिकल प्रॉपर्टीज भरपूर मात्रा में होती है इसके अंदर। हमारे स्किन के लिए जितना फायदेमंद होता है उससे कई गुना अच्छा हमारे बालों के लिए, हमारे सेहत के लिए होता है। दोस्तों नींबू का सेवन करने से, कंटिन्यू करने से वेट लॉस होता ही है, साथ के साथ ही हमारी इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है, बालों के डैंड्रफ वगैरह को हटाता है, बालों से रोए वगैरह जो है वो हटाता है, इन्फेक्शंस को दूर करता है, बालों की ग्रोथ अच्छी होती है। इसी तरीके से ये हमारे जो है फेस के लिए काफ़ी अच्छा होता है, नेचुरल ब्लीच का काम करता है। दूसरा हमने लिया है ये है दोस्तों चीनी। चीनी नेचुरल स्क्रबर का काम करता है, आपके जो स्किन से डेड सेल्स निकालते हैं, ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स को निकालने का काम करता है। बाहर में बहुत ही महंगे महंगे प्रोडक्ट्स आप जो है स्क्रबर खरीदते हैं, लेकिन दोस्तों आप घर पे इस तरीके का नेचुरल स्क्रबर इस्तेमाल करके नेचुरल ब्लीच कर सकते हैं, आपके जो स्किन बहुत ही सुंदर और खूबसूरत हो जाएगा। दोस्तों बिना खर्चा किए, बिना ज़्यादा मेहनत किए आप घर पे इंस्टेंटली, इस टाइम पे जो है फेस्टिवल सीजन है, आप जो है अपने आप को सुंदर और खूबसूरत बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने नींबू को जो है निचोड़ करके उसमें हमने एक चम्मच चीनी डाल दिया है। चीनी को दोस्तों आपको हल्का सा मिला करके थोड़ा सा इसको मेल्ट कर देना है, बहुत ही ज़्यादा मोटा मोटा दाना नहीं रखना है। तीसरा सामग्री जो आपको चाहिए ये हमारा है फेरन एंड लवली। दोस्तों आपको पता होगा फेरन एंड लवली कितना इंस्टेंटली हमारे स्किन को निखार देता है, इससे आपका स्किन बहुत ही जल्दी सुंदर और खूबसूरत लगने लगता है, बिल्कुल इंस्टेंटली फेयरनेस देता है आपके स्किन को। उसी प्रकार दोस्तों अगर आप इस तरीके से इसको नींबू और उसके साथ साथ हमने जो लिया है चीनी उसमें मिक्स करके लगाओगे तो एक नेचुरल ब्लीच बनेगा जिससे आपका स्किन बहुत ही अच्छे से साफ होगा, गोरा होगा, डेड सेल्स को हटाएगा, कालापन अगर आपके स्किन में बहुत ही ज़्यादा है उसको आपको लगाना है। तो आपको वीक में ये वाला इस्तेमाल कर सकते हैं, नुस्खा बहुत ही फायदा करेगा, बहुत ही असरकारक होगा। उसके साथ साथ हमने लिया है टमाटर। टमाटर दोस्तों यहाँ पे आपको पता है टमाटर में भी भरपूर मात्रा में विटामिन सी डी ई के पाया जाता है जो हमारे स्किन को नेचुरली ब्लीच करता है, रेडिएंट ग्लो लाता है, आपके स्किन से दाग धब्बे हटाता है, होंठ के चारों साइड कालापन है उसको कम करता है और आपकी स्किन से पिगमेंटेशन एक्ने वगैरह को दूर करता है। तो इस तरीके से आपको नीम जो टमाटर को आधा काट लेना है, आधा टमाटर को उस जो मिश्रण हमने ब्लीच बनाया है उसके ऊपर रख करके और पूरे फेस पे इसको गोल गोल सर्कुलर मोशन में घुमाना है। पहली बार के इस्तेमाल से दोस्तों आपको फेस में एक अलग सी चमक दिखेगी, निखार आएगा और इसको आपको जो है सप्ताह में एक बार ट्राई कर सकते हैं, बहुत फ़ायदा करेगा, आपका स्किन जो है बहुत ही ज़्यादा ग्लो करने लगेगा दोस्तों एक से दो बार के इस्तेमाल से ही। दोस्तों बहुत सारे लोगों को जो यहाँ पे नींबू सूट नहीं करता है, तो नींबू सूट नहीं करता तो यहाँ पे आप जो है गुलाब जल का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्चुअली ब्लीच हम बना रहे हैं क्योंकि ब्लीच जो है स्किन को थोड़ा सा सेंसिटिव स्किन को जो कर देता है, अगर आपका स्किन पहले से सेंसिटिव है तो ये वाला नुस्खा आप ट्राई ना करें क्योंकि ये स्किन को जो है थोड़ा सा आप जैसे इसको लगाओगे आपकी स्किन में थोड़ी सी सेंसिटिवनेस फील होगी, यानी हल्का सा अनुभव होगा जिससे पता चलेगा कि आपकी स्किन के डेड सेल्स वगैरह को ये हटा रहा है। जब भी आप ब्लीच लगाते हो तो वैसा ही होता है, गर्दन वगैरह पे भी इसको लगाएं अच्छे से और इस तरह से टमाटर की मदद से सर्कुलर मोशन में इसको मसाज दें, कुछ ही इस बार के इस्तेमाल से आपको बहुत फर्क दिखेगा। और इसके साथ साथ ही दोस्तों आपको बालों पे इसको नहीं इस्तेमाल करना है, जैसे भोल वगैरह पे इस्तेमाल नहीं करें,
बहुत फर्क दिखेगा, बहुत ही अच्छा नुस्खा है। ट्राई कीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि आपको कैसा लगा। अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।